सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 2019 बैच और 2018 बैच के मन में, या आप कह सकते हो आज इस टॉपिक से लगातार यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अगर हमारा सेकेंड सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक आता है तो क्या हमारा जो प्रमोट है वो रद्द हो जाएगा, या फिर 2018 बैच के प्रशिक्षु जिनको फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है तो क्या अगर उनका किसी भी सब्जेक्ट में बैक आता है तो क्या उनका जो प्रमोट है रद्द हो जाएगा या फिर नहीं। क्योंकि हम आप सभी को बता दें, थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट हुआ उसमें से 50% जो प्रशिक्षु हैं उनका बैक आ गया है, या फिर कॉलेज वालों की लापरवाही की वजह से उनका मार्क्स, जो इंटरनल मार्क्स होता है, वो नहीं मिल पाया। सो यहाँ पर इनके मन में यही सवाल आ रहा है कि क्या जो हमारा प्रमोट है वो रद्द हो जाएगा या फिर नहीं। तो इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि हर एक प्रशिक्षु के पास ये जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो पहुँच सके। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे 2018 बैच, ठीक है, क्योंकि इनको जो प्रमोट किया गया वो फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर का जो मार्क्स था उसी के आधार पर थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट कर दिया गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कहना बिल्कुल सही होगा कि जो थर्ड यानी जो 2018 बैच के प्रशिक्षु हैं उनका जो प्रमोट है वो रद्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आपका जो नंबर है वो प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के आधार पर दे दिया गया है। तो अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक आता है तो केवल और केवल आप फोर्थ सेमेस्टर का बैक पेपर ही देंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सेमेस्टर बैक होता है, एक सब्जेक्ट बैक होता है। सब्जेक्ट बैक यानी आपका दो सब्जेक्ट में अगर बैक आता है तो उसे हम सब्जेक्ट बैक कहते हैं। अगर तीन या तीन से अधिक आता है तो फिर उसे हम सेमेस्टर बैक कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, 2018 बैच के लिए ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, आप सभी का प्रमोट जो है वो रद्द नहीं होगा। बात यहाँ तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 2019 बैच की। जी हाँ फ्रेंड्स, 2019 बैच के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रश्न हो रहा है और सभी प्रश्न का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी। देखिए, सबसे पहले आप सभी ने सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया और सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम देने के बाद मन में ये सवाल आ रहा है, क्योंकि पहले ये हुआ था कि अगर किसी भी साथी का बैक पेपर होता है तो उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, सिंपल यही था। तो अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट यानी सात सब्जेक्ट है उसमें से किसी भी सब्जेक्ट एक या दो सब्जेक्ट में बैक आ जाता है तो क्या हम प्रथम सेमेस्टर का भी पूरा पेपर देंगे और द्वितीय सेमेस्टर का पूरा पेपर देंगे? सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर ये होगा कि अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर यानी 2019 बैच में किसी भी दो सब्जेक्ट में बैक आता है तो आपको क्या करना है, यानी पहले जो हुआ है उसी के बेस्ड पे मैं आप सभी को बता रही हूँ, तो आपको प्रथम सेमेस्टर का सभी पेपर देने होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रथम सेमेस्टर का सभी पेपर देने होंगे और दो सब्जेक्ट यानी सेकेंड सेमेस्टर में जिस भी सब्जेक्ट में आपका बैक आया है वो दो सब्जेक्ट का देना होगा, यानी पूरा नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपका दो से अधिक यानी तीन या तीन से अधिक किसी भी सब्जेक्ट में बैक आ जाता है तो उसे हम सेमेस्टर बैक कहते हैं, तो फिर आपको प्रथम सेमेस्टर का भी पेपर देना होगा प्लस आपको सेकेंड सेमेस्टर का पूरा पेपर देना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये कड़वा सच है, अगर PNP इसमें कोई भी बदलाव करती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा ना, जो 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं उनका सेमेस्टर जो है बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा, यानी जिनका बैक आएगा उनके लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो भी डाउट्स हैं वो आई होप कि क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। 2018 बैच का कोई भी प्रमोट रद्द नहीं होगा, क्योंकि उनको जो मार्क्स दिया गया वो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के आधार पर उनको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया। अगर 2018 बैच यानी फोर्थ सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक आता है तो सिर्फ और सिर्फ जो बैक आया उसी का आप पेपर देंगे, और सेकेंड सेमेस्टर में अगर आपका दो सब्जेक्ट में बैक आता है तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, और जिसमें सेकेंड सेमेस्टर में दो सब्जेक्ट में
बैक है उसका देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें, अगर तीन से अधिक आ जाता है तो फिर आपको प्रथम सेमेस्टर एंड द्वितीय सेमेस्टर का दोनों पेपर देना होगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आई होप कि आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर पीएनपी इसमें कोई भी बदलाव करती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर अब भी आपकी कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और रहा सवाल रिजल्ट्स से रिलेटेड, तो मैंने आप सभी को कल ही बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।